हरे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का। ये आज अंतिम वीडियो है। समय की शुरुआत से हम पढ़ रहे थे कि समय की शुरुआत से मानव कैसा था, मानव की कौन सी प्रजातियाँ थी, कौन कौन सी प्रजाति सबसे पहले आई, मानव कैसे रहता था, कहाँ रहता था, उसमें सोचने समझने की शक्ति कैसे आई, वो औजार किस प्रकार के बनाता था, उसकी भाषा का ज्ञान उसको कैसे हुआ, उसने बोलना लिखना वगैरह कैसे सीखा, कैसी कला करके सीखी, कौन सी कला के बारे में जानता था, इन सब के बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके उपसंहार की बात करते हैं। उपसंहार पूरे पाठ के निचोड़ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ऐसा बताया जा रहा है, लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे। मानव जो है लाखों साल तक, ये हमने पहले पढ़ा है कि जंगली पशुओं का शिकार करते थे और पेड़ पौधों के कंद मूल बीज वगैरह इकट्ठे करके उनका संग्रहण करके अपना जीवन यापन किया करते थे, अपना भरण पोषण करते थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पूर्व तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 10,000 से 4,500 वर्ष पहले का जो मानव था, उसने वो दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर के बसने लगा, रहने लगा, वहां पर वो पशुपालन करने लगा और अलग अलग कुछ जंगली पेड़ पौधों को अपने उपयोग में लाने लगा। इसके फलस्वरूप इसके बाद वो खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इनके बाद धीरे धीरे पशुओं को पालने के बाद अब वो खेती की ओर अग्रसर हुआ, वो खेती करने लगा। पालतू पशुओं की वजह से साथ में पशुचारण भी करने लगा, जो उनके जीवन का अति महत्वपूर्ण भाग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय अब पहले मानव जो था वो बिखरे हुए पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ इधर उधर बिखरे होते थे, उन्हें इकट्ठा करके और अपना गुजारा किया करता था, पेट भरा करता था। अब उनकी बजाय उसने क्या है, उन्हें खेती के जरिए समय उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना है, यानी करा दी। अब उन कंद मूलों को खाने की बजाय वो धीरे धीरे उनके उपयोग के बारे में सीखा, कैसी खेती करनी है, कब करनी है, कौन से मौसम में करनी है, इसका उसको ज्ञान हुआ और वो इन सबको समय उपजाकर जमीन में गाड़कर उगाकर और वो समय खेती करके इनका उपयोग करने लगा। आगे बताया जा रहा है कि लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। आज से लगभग 13,000 साल पहले जो हिमयुग था, हिम बर्फ का युग, वो समाप्त हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत होगी। अधिक गर्मी वाला मौसम और अधिक सर्दी वाला मौसम जो है वो आ गया। जैसे आज अपने आधुनिक युग में देखते हैं, 6 माह तो बड़ी भीषण गर्मी पड़ती है और 6 माह के लिए बड़ी ही ठंड पड़ती है। तो अब सर्दी गर्मी की मौसम में जो फसलें हैं, खरीफ और रबी की फसल, ये अलग अलग बोई जाती है, तो इसका ज्ञान भी उसको हो गया। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। अब जंगली जौ और गेहूं, आज हम जानते हैं कि गेहूं की बिजाई जो होती है वो अत्यधिक सर्दी में होती है, अत्यधिक ठंडा मौसम चाहिए गेहूं की बिजाई के लिए और गर्मी की फसल के लिए गर्मी का मौसम चाहिए,
तो ऐसा बताया गया कि जो और गेहूं के अनाजों के लिए जो परिस्थितियां थी, मौसम जो था वो अनुकूल हो गया। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, जैसे जैसे खुले जंगल और घास के मैदान बढ़ते गए, वैसे वैसे घास के वैसे वैसे जंगली पशु जैसे जंगली भेड़, बकरियां, मवेशी, सुअर, गधे, अन्य ऐसे जंगली जानवरों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती गई, ये बढ़ते गए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मानव था वो ऐसे इलाकों ऐसे मतलब जैसे जंगली इलाकों को ज्यादा पसंद करने लगा और घास फूस की वजह से पेड़ पौधों की वजह से वहां पर वो रहने लगा जहां पर पशुओं की भी प्रचुरता हुआ करती थी और वो धीरे धीरे पशुपालन की ओर भी अग्रसर हुआ। अब पहले से काफी बड़े जन समुदाय पहले से ज्यादा लोग ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से यानी लगभग पूरे साल एक ही जगह पर रहने लगे, क्योंकि कुछ इलाकों को ज्यादा पसंद किया जाता था इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव भी बढ़ने लगा। अब हिमयुग का भी अंत हो गया, मौसम भी फसलों के लिए अनुकूल हो गया। अब खेती करने के लिए एक स्थान पर मनुष्य को स्थायी रूप से टिक कर रहना पड़ा, तो अब अनाज पैदावार की जो दबाव था वो भी उस पर बढ़ गया। इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई। अब अलग अलग प्रकार के पौधों को बीजा जाने लगा। इससे यह तो पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधे जैसे गेहूं, जौ, चावल, मोठ, बाजरा आदि और कुछ जानवर जैसे भेड़, बकरियां, मवेशी, गधा, सुअर आदि की जानकारी उस समय के मानव को थी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों से मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की है। अब उस समय का मानव भी था वो जानवरों पर पूरी तरह से निर्भर हो गया। अब मानव ने और मनुष्य ने दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे परिवर्तन लाए हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण का प्रारंभ हुआ था वो यह है कि फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। यहाँ पर लोग खेती भी किया करते थे और पशुचारण भी किया करते थे। इसके अवशेष वहाँ से मिले हैं। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। अब खेती के लिए हम जानते हैं कि अगर हमें खेती करनी है तो हमें एक स्थान पर टिककर रहना पड़ेगा। इसलिए मानव को भी ऐसा महसूस हुआ कि खेती के लिए वह लंबे समय तक एक स्थान पर टिक करके रहने लगा और अपना स्थायी निवास उसने बना लिया एक जगह पर। स्थायी निवास जैसे कच्ची ईंटों के घर, पक्की ईंटों के घर और पत्थरों के भवन उसने बनाए जो कि पहले वो झोपड़पट्टियों में रहा करता था। ये पुरातत्व विद जो है उनको ज्ञात प्राचीनतम गांव में से कुछ है। आज भी ऐसे विश्व में ऐसे बहुत से प्राचीन गांव हैं जहां पर अतीत के मानव बहुत पहले के मानव के द्वारा बनाए गए
खेती और पशु चारण से कई अन्य परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मनुष्य खेती में खाने के लिए अनाज उगाया करता था, तो अनाज को रखने के लिए उसको बर्तनों की जरूरत जैसे पड़ी होगी, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगा जिसमें अनाज और अन्य प्रकार की उपज को रखा जाने लगा, और ऐसे बर्तनों में जैसे खाना पकाया जा सके तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल भी होने लगा। पत्थर के नए किस्म के औजार जैसे खेती करने के लिए हल बनाना और निराई गुड़ाई के लिए औजार बनाना, ऐसे प्रयोगों को करने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे जो लोग थे वो तांबा और नागा जैसी धातुओं से भी परिचित हो गए, उनके बारे में जानकारी उनको मिली। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल भी होने लगा। आने जाने के लिए पहले पशुओं का प्रयोग किया करते थे, पशुओं के चढ़ के आना जाना उनके परिवहन का साधन पशु ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बदलाव आता गया, जैसे जैसे परिवर्तन होते गए, तो उसने आवाजाही के लिए गाड़ियां बनाई, पहिए का आविष्कार किया और उनको पशुओं के माध्यम से वो अपना सामान वगैरह लाद कर इधर से उधर जाने लगा, अनाज को लाने ले जाने लगा। अब लगभग 5000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के जो समूह थे वो एक साथ शहरों में रहने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है, शहर और बस्तियां क्या होती थी, मनुष्य शहरों की ओर क्यों जाने लगा, इन सब के बारे में हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। आज आपका पहला अध्याय पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि सारों बच्चों ने पूरे वीडियो देखे होंगे और ये पहला चैप्टर उनके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।